स्टूडेंट, दिस इज़ विजयलक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेश बर्ड स्कूल। हम लोग पढ़ेंगे क्लास वन से चैप्टर नंबर 11, ईमानदारी का फल। जैसे कभी भी झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से रहना, ऑनेस्ट रहना, उसमें एक छोटा सा कहानी है। आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पंडित दीनदयाल जी मंदिर में भगवान के दर्शन करके लौट रहे थे, मतलब मंदिर जाके आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बच्चा मिलता है जो रो रहा होता है। उसका नाम था राम। पंडित जी ने उसे प्यार से पूछा, बच्चे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मेरे पास 5 रुपए थे, वे कहीं खो गए हैं। मुझे माँ ने सब्जी खरीदने के लिए दिए थे। बच्चा फिर से हिचकियाँ लेकर रोने लगा, मतलब टुसक टुसक के रोने लगता है। पंडित जी ने उसे मुंह फेर कर अपनी जेब से 5 रुपए निकाल कर नोट दे दिया और इधर ढूंढने का बहाना सा करते हुए कहा, अरे अरे बेटा, ये रहे तुम्हारे 5 रुपये। मतलब कि झूठ मूठी उसको खोज कर दे दिया, अपने पैसे निकाल कर दे दिए कि 5 रुपये ये तुम्हारे। ये 5 रुपए का नोट यहाँ पत्थर के पास पड़ा था, ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन वो बच्चा बोलते हैं कि ये नोट मेरा नहीं है, मेरे पास जो 5 रुपए का सिक्का था, मतलब जो पंडित जी उसको नोट दे रहे थे, और उसके पास क्या था, कॉइन था, सिक्का था। राम फिर से रोने लग गया। अच्छा अच्छा, तुम ये नोट ही ले लो और जाकर सब्जी खरीद लो, समझ लो कि मैंने ही तुम्हें दिया है, पंडित जी उसको ऐसा बोलते हैं। लेकिन बच्चा बोलता है, नहीं नहीं, मैं किसी से भी कुछ नहीं लूँगा, मैं भिखारी नहीं हूँ। पंडित जी ने कहा, अच्छा बेटा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, हमारे वहाँ होने से तुम्हारी माँ तुम पर क्रोध नहीं करेगी। पंडित जी बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वो जब मैं साथ चलूँगा तो तुम्हारी मम्मी तुमसे क्रोध, मतलब गुस्सा नहीं करेंगी। पंडित जी राम के साथ साथ चल पड़े। बालक की माँ एक टूटे फूटे कच्चे घर में रहती थी। पंडित जी को राम के साथ आता देख माँ ने उन्हें प्रणाम किया। पंडित जी ने सारी घटना माँ को बता दी। उन्होंने राम की तारीफ, मतलब प्रशंसा की उसकी, तुम्हारा बेटा बहुत ही सच्चा और ईमानदार है, ऑनेस्ट है, हम इसकी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रसन्न है, मतलब खुश हैं। हमने निश्चय किया है, मतलब डिसाइड किया है कि इसकी पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा होगा वो पंडित जी देंगे, मतलब ये देंगे। यही बच्चा बड़ा होकर महान ज्ञानी रामनाथ शास्त्री बना, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, जिसने गरीब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा विद्यालय, मतलब स्कूल खोला। इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का साथ देना चाहिए। थैंक यू।